दोस्तों कैसे हैं आप आशा करते हो आप सब अच्छे होंगे तो आजकल मैं हूँ अपने मायके में और देखिए मैं बाल धो के नहा के आ चुकी हूँ इतनी ज्यादा सर्दी हो रही है फिर भी मैंने इतनी सर्दी में बाल धोए बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है और फ्रेंड मैंने सोचा कि चलो मायके में हूँ तो थोड़ा एक ब्लॉग ही बना लेती हूँ तो इसलिए मैंने कहा कि चलो शुरू कर और देखिए यहाँ पे इतनी ज्यादा सर्दी हो रही है कि मेरी अभी अभी तक मेरी जो छोटी बहन हैं ना अभी वो सो रही हैं और मैं नहा के आ गई हूँ किचन में तो अपने लिए बना रही हूँ चाय मैंने कहा चाय बना लेती हूँ और गरम-गरम बाहर जल रही आग तो मैंने कहा चलो मैं अभी बैठ के आराम से चाय का मज़ा लूँगी बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है कम से कम पंद्रह दिन तो होने जा रही है धूप ही नहीं निकल रही है और मैं तो अभी बांदा में हूँ अपने मायके में ही अच्छा लग रहा है चलिए मैं अपने यहाँ पे देखे ये मेरी चाची हैं जो लगा रही हैं ठंडी में पोछा <laughs> उन्हें सफाई का भूत सवार रहता है तो चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी <laughs> पोछा ही लगाते रहते झाड़ू पोछा ही लगाते रहते करते रहते और ये देखे यहाँ पे मेरी बहनें लोग सो रही हैं ये देखिए सब लोग सो रहे हैं अभी अभी कोई भी नहीं उठा है और हम लेके चाय चलेंगे बाहर और गरम गरम चाय का अरे यार यहाँ पे तो आगे ही बुझ गए मैं सोचिए थे यहाँ पे बैठ के आगे तापते हुए चाय पियूंगी तो मैं आ गई थी अपनी बेटे को तीन तारीख को छोड़ने के लिए आ, उसको इंदौर जाना था तो इंदौर से उसकी बांदा से ही ट्रेन थी अम्बेडकर नगर तो उसको छोड़ने गई छोड़ने आई थी तो मेरे हस्बैंड भी आए थे तो मैं मतलब हस्बैंड तो चले गए घर और मैंने कहा कि मैं शादी में आई तो रुक नहीं पाई तो मैंने कहा मुझे दो दिन रुक लेने दो उसके बाद फिर मैं आ जाऊँगी तो फिर मैंने मैंने कहा कि चलो मैं रुक लेती हूँ तो मैं रुक गई और वो चले गए कल और फिर उसके बाद हम लोग कल गए मेला देखने के लिए यहाँ पर प्रदर्शनी लगी थी तो बहुत अच्छा लग रहा था प्रदर्शनी तो हम लोगों ने बढ़िया झूला झूला गर्म कपड़े वगैरह सब खरीदे बहुत अच्छा लग रहा था क्या है ना सर्दी लग रही थी घर बैठे तो मैंने कहा कि मैंने बोली कि चलो दीदी तुम्हें ना कहीं घुमा के लाते हैं मैंने कहा कहाँ बोली प्रदर्शनी तो हम लोग ना प्रदर्शनी देखने चले गए थे तो बहुत अच्छा लगा और उसका भी मैंने ब्लॉग बना के डाला है तो आप लोग ना जा देखिएगा कि कैसा है वो ब्लॉग अच्छा लग रहा था सब मतलब झूला मैंने ना ट्रेन वाला जो झूला होता है ना मैंने उसी में झूला क्योंकि मुझे ना बड़े वाले झूले में बहुत ज़्यादा डर लगता है तो मैं बड़ा वाला झूला नहीं झूलती हूँ और मेरी बहनें तो जिद कर रही थी कि दीदी चलो वहाँ पे झूलेंगे तो मैंने कहा नहीं मैं वहाँ पे नहीं जाऊँगी उसमें नहीं झूलूंगे मैं तो यही ट्रेन वाला ही झूले लेती हूँ तो फिर मैंने ट्रेन वाला ही झूला अच्छा लग रहा था पह मतलब कभी कभी लगता है कि बच्चों जैसा करना चाहिए हरकतें मस्ती अच्छा लगता है तो हम लोगों ने खूब मस्ती की खूब मतलब शॉपिंग वगैरह भी किया और अच्छा लगा घूम के और आज भी देखो कहीं जाएंगे घूमने के लिए क्योंकि बहनें कह रही हैं कि चलो दीदी -दी, आज भी कहीं घूमने चलते हैं तो मैंने कहा ठीक है तुम लोग पहले उठ जाओ नहा धो लो खाना पीना खा लेकर खा लेते फिर उसके बाद चल चलेंगे कहीं घूमने के लिए और क्या है ना कि ससुराल में मैं कहीं जाती नहीं हूँ बस हम लोग जैसे मार्केट वाटकेट चले जाते हैं बाकी टाइम तो घर पर ही रहते हैं जब मायके आती हूँ मैं अपने बांदा तब यहीं पर ही बहनों के साथ घूमने निकल जाती हूँ तो अच्छा लगता है कहीं मार्केट चली जाएगी चली जाती हूँ कहीं घूमने चले जाते तो अच्छा लगता है यहीं से चित्रकूट भी पास में है तो हम लोग चित्रकूट भी चले जाते घूमने के लिए तो अच्छा लगता है घर बैठे बोर हो जाते हैं कब तक घर में बैठे बैठे बोर होते रहो तो मायके दो चार दिन के लिए आ जाओ ना तो मन भी बहल जाता है और अच्छा भी लगता है और आप लोग भी जो लेडीज होंगे हाउस वाइफ तो उन लोग को पता होगा कि कर माए गए जाओ तभी तो अच्छा लगता है खुला खुला मतलब माहौल मिलता है ससुराल में तो वैसे भी सब लोग के रोक टोक और बंधे बंधे रहते हैं तो इरेटेड हो जाते हैं कभी कभी कि यार कहाँ आके जेल में बंद हो गए ना कहीं जाने को मिल रहा ना कहीं कुछ जेंट्स लोग क्या है उनका मन जहाँ होता है तो वो लोग घूमने चले जाते हैं और हम ले, लेडीज़ होते हैं जो तो बस किचन से कमरा कमरा से किचन बस हम लोग की इतनी ही में ही दौड़ होती रहती है बाक़ी कहीं तो जाने को ज़्यादा मिलता नहीं है तो और बोर होता है तो इसलिए लगता है कि कहीं तो जाओ भले ही मायके जाओ तो जाओ कहीं तो फिर मुझे, मुझे मौका मिला बेटे के छोड़ने के बहाने मैंने कहा बल्कि ये बोल रहे थे मैं छोड़ तो मैंने कहा नहीं मैं चलूँगी मुझे भी चलना है बांदा तो मैंने कहा मैं भी चलूँगी और मैं भी छोड़ के आऊँगी तो फिर वो तो बाद में आए मैं और मेरे बेटे हम लोग ट्रेन से आ गए मैंने कहा नहीं मैं चलूँगी आप बाद में आ जाना दोपहर तो वाले ट्रेन से तो हम लोग सुबह ही वाली ट्रेन से आ गए मैंने कहा कम से कम मैं रुक लूँगी दिन भर अगर ना रुक पाऊँगी नहीं छोड़ के आएंगे ये तो फिर मैं पहले ही आ गई थी और उसके बाद फिर ये चले गए मुझसे बोल रहे थे कि चलो घर मैंने कहा नहीं मैं अभी नहीं जाऊँगी दो दिन बाद आऊँगी अब संक्रांत पर पता नहीं आप आती हूँ कि नहीं आती तो मैंने कहा नहीं मैं दो दिन रुक के ही आऊँगी तो मायके में तो बहुत अच्छा लगता है सभी को अच्छा लगता है अपने मायके में मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और मतलब मुझे अपनी बहनों के साथ बहुत अच्छा लगता है उनके साथ उनकी कंपनी मुझे बहुत अच्छी लगती है तो मैं अपनी ना चाची के पास ही रुकती हूँ और अपनी बहनों के पास ही रुकती मुझे यहीं पे अच्छा लगता है मम्मी के पास तो बहुत कम जाती हूँ बस जाके के आ मिल के आ जाती हूँ पर यहीं पे मैं रुकती मुझे यहीं पे अच्छा लगता है तो मैं अपनी चाची के पास ही रुकती हूँ तो आप लोग बताना कि मेरा मेला वाला ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को और जो लोग बांदा से होंगे ना तो वो लोग तो गए ही होंगे मेला घूमने के लिए यहाँ पे तो लगता ही रहता है प्रदर्शनी लगती रहती कहीं संकट मोचन के पास लगती है कहीं डिग्री कॉलेज के पास लगती है तो लगती रहती है मेरी बहनें बोलेंगे दीदी आज अब प्रदर्शनी लगी है तो मैंने कहा ठीक है वैसे तो हमारे मौरानीपुर में भी लगती है लेकिन हम मैं नहीं जाती वहाँ पे मुझे वहाँ पे अच्छा नहीं लगता जाना तो मैं तो यहीं पे आऊँगी तो यहीं पे ही घूमने निकल जाती हूँ और आज देखो कहीं जाएंगे या तो नॉब टैंक जाएंगे घूमने वहाँ पे बोट वोट चलने लगे तो बहने बोले चलो दीदी घूम के आते हैं और या तो फिर यहाँ सेंटर जेल रेस्टोरेंट है तो मेरा भाई बोला था दीदी चलो वहाँ पर खाना खा के आते तो मैंने कहा ठीक है तो मैंने कहा चलो चलेंगे तो आप लोग ना उस अगर जाऊँगी तो वहाँ का भी ब्लॉग सूट करूँगे तो आप लोग ना उस ब्लॉग का इंतज़ार करिएगा और मुझे थोड़ा सपोर्ट करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए लाइक करिए कमेंट करिए मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में तब तक के लिए राधे राधे